सतगुरु तेरा ही आसरा। सतब्रह्मचारी चौधर राजेश जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम मेरा समाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम मेरा समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम से जो काम बने हैं लड़ने से नहीं बनता है। प्रेम को भूली अहंकार में झूली लड़ रही सब जनता है। प्रेम दवा जो खाए भाई, उसने ही सुख पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, बिना है मुर्दा बंदा गिनती में ना आए जी। प्रेम पहुंचाए मंजिल ऊपर, खुद रहबर बन जाए जी। प्रेम बिना है मान है बंदा, मालिक को ना भाया है। प्रेम करो दुर्लभ धन है भाई, इसके बिन कुछ नहीं है। प्रेम रस तुम चाखो भाई, वो तो तेरे माही है। प्रेम न जाना जिस भाई ने, ना इंसान कहाया है। प्रेम करो प्रभु को पाने, उसको रिझाने के रास्ते बहुत बनाए जी। सब कर्मों से ऊंचा साधन, प्रेम ही मालिक मिलाए जी। प्रेम घोड़े पर जो चढ़ जाए, मंजिल पर पहुंचाया है। प्रेम करो Thank you.
का रास्ता सीधा सस्ता, दाम कोई ना लगते हैं। प्रेम की बात संत बताए, नहीं किसी को ठगते हैं। कहे शास्त्र नाम जी नाम जपो, और करना प्रेम सिखाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम मेरा समाया है। प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही सब पाया है। प्रेम करो आपस में भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरी अख दे सिपदा इक मोती, तेरी अख दे सिपदा इक मोती, जे गुरु चरणों विच डुल जावे। तेरी तकदीर दा खुल जावे, तेरी सुती होई किस्मत जाग पावे, बुहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। चुमकानिया ने मथा इस दे दर ते रगड़ी जा, बुहा तुर दरगाह दा तकना है सतगुर दा पल्ला पकड़ी जा। बड़े बड़े पापियां नू इन माफ कीता, शायद तेरे भी औगुण भूल जावे। मत जाग पावे, बुहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। चोली अड के ऐथों मंग लै, तू इथे झिझकण दी कोई लोड़ नहीं। सच वाला एथों कर लै तू, सौदा नाम वाला एथों कर लै तू। अगे जाके बड़ा मुल जावे, अगे जाके बड़ा पै मुल जावे। तेरी सुती होई किस्मत जाग पावे, बुहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। वक्त दा कोई अठौंदा है, बिना नाम जपण दे तेरा ओए, बिना नाम जपण दे तेरा ओए। ओ मानस जन्म न भूल जावे, तेरी सुती होई किस्मत जाग पावे, तू हा तेरी तकदीर दा खुल जा।
मोती जे गुरु चरणा विच डुल जावे तेरी सुती होई किस्मत जाग पवे बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजी प्यारी सत्संग जीओ, मालिक के नाम से इंसान अपने नए भाग्य बना सकता है, वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसका कभी उसने सोचा भी नहीं होता, जो उसके कभी ख्याल में भी नहीं आया होता। पर यह तभी संभव है जब इंसान वचनों पर अमल करे। मन बुद्धि इंसान को अहंकार में रखती है, मालिक से दूर रखती है। भाग्यशाली तो वही हैं जो वचनों पर अमल करके आगे बढ़ा करते हैं। ये घोर कलयुग का समय है, भयानक कलयुग है। इसमें इंसान विषय विकारों में डूबा हुआ है, बुरे ख्यालों में डूबा हुआ है। अपना अहंकार, अपनी खुदी, अपनी होमे इतनी प्रबल है, इतनी बड़ी हुई है जो लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। पर सुमरण ही एक तरीका है, भक्ति ही एक तरीका है जिसके द्वारा जीव अपने अंदर की बुराइयों को साफ कर सकता है, अंदर के गुनाहों को दूर कर सकता है। पर यह तभी संभव है जब वचनों पे अमल किया जाए। जब तक वचनों पे अमल नहीं करता, इंसान खुशियों से खाली रह जाता है, खुशियों से वंचित रह जाता है। और वचनों पे अमल मन जालिम करने नहीं देता। इंसान वचन मान ले, ना यहां कमी रहे ना अगले जहां में कमी रहे, वही भाग्यशाली हैं जो वचन सुन के अमल किया करते हैं। संतों के अपने वचन नहीं होते, वो तो बात कहते हैं। वचन का मतलब संत को जो ख्याल अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौलिक देता है, मौला देता है, वो ख्याल जब दुनिया के सामने जाहिर करते हैं, वो ख्याल जब दुनिया को बताते हैं, तो उनको वचन कहा जाता है। तो वचन मानना ही कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति है। जो वचन नहीं मानते वो खुशियों से खाली रह जाते हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में बहुत ही भाग्यशाली, अति भाग्यशाली जीव जो उस परमपिता परमात्मा के वचन फकीरों द्वारा सुनते रहते हैं। वरना तो लोग सत्संग के आसपास से पता नहीं कितने गुजरते हैं रोजमर्रा के कार्यों के लिए, लेकिन काल की ऐसी मोहरें लगी होती हैं कि एक शब्द भी उनके कानों में नहीं आता, मन सुनना गवारा नहीं करता। पर भाग्यशाली हैं जो सत्संग में आके बैठते हैं। पर भाग्य तभी बना सकते हैं अगर सुन के अमल करें। भाग्यशाली तो हो गए, नाम ले लिया, आवागमन से मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन वो तमाम खुशियां जो इस जहां में मिल सकती हैं, वो तमाम गम चिंता परेशानियां जिसे जीव मिटा सकता है, वो तभी संभव है जो वचन सुन के अमल कर ले। जब तक अमल नहीं करता, जब तक वचनों को नहीं मानता, तब तक खुशियां हासिल नहीं होती। तो भाई वचनों पे अमल किया करो, वचनों पे चला करो, तभी परमानंद नहीं होती। तो भाई वचनों पे अमल किया करो, वचनों पे चला करो, तभी परमानंद मिलता है, तभी बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। जी चाइना से उसमें थोड़ा सा क्या क्या करना चाहिए पिताजी हमें? हाँ फिर से बताएं बेटा। पिताजी ये काम कर, तो मिला हुआ है, मतलब कि वो चिकन है, थोड़ा चिकन पैकिंग का।
बेटा काम आप चेंज कर लीजिए, अगर आपको मिलता है सिमरन कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। पहले ये काम ढूंढ लीजिए फिर इसे छोड़ दीजिए। ठीक है जी, पिताजी शुरू करेगा सर। आप पिताजी मेरे वाइफ से बात कर जी। हेलो जी, पिताजी दंडन शुक्रिया जी। बोलो बेटा। सर जी लाख लाख शुक्रिया, जो सारी गल हुई और सब तो बड़ी खुशी की गल है कि मेरी इच्छा पूरी होगी कि मैं आज देना चाहती थी पिताजी। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी जी। बेटा और पिताजी अपना आशीर्वाद इसी अपनी मेहर अपनी कृपा हमेशा देना ताकि असी हमेशा सेवा सिमरन करते रहिए वचनाते रहिए पिताजी जी। बेटा आशीर्वाद बचन करो, मालिक साथ है बेटा। और पिताजी इधर प्रसाद बना दो दृष्टि डाल के जी। बेटा मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद बन गया, आप लोग ले लीजिए बेटा। पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद पिताजी जी। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी मैं आप जी का बेटा आशीष सिंह बोल रहा हूँ, बिजली से जी जी। पिताजी आप कैसे जी? हाँ जी ठीक बेटा, आप सुनाइए। पिताजी आप कैसे हो जी? जी आपकी आशीर्वाद है पिताजी, आपकी निर्णय रहे जी। पिताजी मेरी आप जी के आशीर्वाद से MBBS में एडमिशन ली है जी, और पिताजी अभी मैं फोर्थ ईयर में पढ़ रहा हूँ जी। पिताजी मैं आप जी से आशीर्वाद चाहता हूँ, जैसे चार साल हमारे बहुत आगे आने वाले टाइम भी ऐसे ही गुजरे पिताजी जी। बेटा जरूर मालिक से दुआ करेंगे, आप बचनों पर रह के सुमन करते रहो, मालिक साथ हैं बेटा जी। पिताजी मैं आप जी से माफी चाहता हूँ पिताजी, स्विमिंग करते हुए जी मेरा लोकेट घूम गया था जी। बेटा आगे से ख्याल रखिए, कोई बात नहीं, सुमन खींचे खाना चाहता हूँ जो मेरे साथ ब्लडों ने करते हुए हुआ था जी। जी बेटा बोलिए। पिताजी जब मैं ब्लड करने गया था जी आपके वचनों के अनुसार जी, तब जो नर्स थी उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया था जी, तो वो बोले कि आज आप ब्लड नहीं दे सकते जी। पिताजी फिर मैंने नारा लगाया जी और आप जी के चरणों में अरदास की जी, और मैंने नर्स को कहा कि तुम मेरा ब्लड प्रेशर दोबारा चेक करो जी। तब मेरा ब्लड प्रेशर तो नर्स बड़ी परेशान हो गई कि अभी कुछ सेकेंड्स पहले मेरा ब्लड प्रेशर 160/90 था और अभी 160 हो गया जी। तो उसने मेरा 3-4 बार ब्लड प्रेशर चेक किया जी, और फिर उसने कहा जी कि आप ब्लड दे सकते हो जी। क्योंकि जैसे आपने मेरे किए जी ऐसे हमेशा करते रहना पिताजी जी। बेटा मालिक का रहमो करम है बेटा, वही कर्ण ग्रावण हारे हैं हम तो खाक सर्चों का, सुमन करते रहिए मालिक साथ हैं जी। पिताजी ये मिल्क पाउडर है पिताजी, इसे आशीर्वाद प्रसाद बना दो पिताजी। समझ नहीं आ रही बेटा, थोड़ा बोलिए बोलिए। पिताजी ये मिल्क पाउडर है पिताजी, इसे आशीर्वाद लेके प्रसाद बना दिए पिताजी जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, आप लोग ले लीजिए, मालिक खुशियां बख्शे जी। बेटा आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी परविंदर साबुद अभी यूए। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लेना, ठीक ठाक है साथ संगत। आशीर्वाद बेटा जी। विदेश वापिस जाना प्रदीप इन सा मलेशिया जाना है, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना, एड ब्लॉक के अकाउंट नंबर 6 में मिलकर जाना, मालिक खुशियां बख्शे बेटा आशीर्वाद। पहली बार विदेश जाना लखविंदर सिंह इन साइप्रस, प्रसाद ले जाना, बच्चों को सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा आशीर्वाद, एड ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिलकर जाना। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है जी, नाम बोलते हैं, नाड़ा से इनकी पत्नी ने चोड़ा छोड़ा नाम लिया तो उम्र 45 साल परिवार खड़ा हो जाए। हिसार हरियाणा से इनके पति ने चोड़ा छोड़ा नाम लिया तो उम्र 25 साल परिवार खड़ा हो जाए। सुनाम संगरूर तो आए हैं जी, इन्होंने पिता ने चोड़ा छोड़ा नाम लिया से उम्र 69 साल, अखा दान भी की, अखा दान महादान आशीर्वाद, और उन्होंने याद च फजूल खर्ची की बजाय दिन दुखे मद च बैंक 53,650 रुपये जमा करवाए आशीर्वाद आशीर्वाद। बनारसी संगरूर से आए हैं, इनके पिता ने चोला छोड़ा है जी, 70 साल परिवार खड़े हो जाए, नाम सबके रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं जी। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज नाम सचखंड सारा परिवार सिमरन करो, अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना है, मालिक आपको ताकत दे शक्ति दे, आप भी प्रसाद लेने के बाद बैठना है, जो जख्म देता है मरहम भी वो जरूर देता है आशीर्वाद, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए।
आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पता है, दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। अनुक शामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सज रहना है जी, उसके बाद जाने का समय साधन के अनुसार जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार की जगह पर बैठे रहें जी।